कहाँ का मैं प्लान करता हूँ, लेकिन बहुत ही जो भी जगह का प्लान करूँगा बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। और रात को भाई बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस आज का रहा, मैं आपको बताता हूँ क्यों। आपको बताया कि लास्ट टाइम मैं अपना जो कैंप लगाया था यहाँ पर लगाया था, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर मैं रात को टेंट लगाया था। बट आज का दिन समझ लो भाई, आज का रात के टाइम बारिश आ गई एकदम, और मैं 1 बजे तक एडिटिंग करता रह गया, सोया ही नहीं। उसके बाद टेंट वगैरह लगा के मैं उसके अंदर ही एडिटिंग करता था। फिर 3:30 बजा और 3:50 के आसपास बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे। मैं बोला भाई बादल दल पूरा घेर लिया था। मैं सोचा कि चलो टेंट वगैरह को फोल्ड कर लेते हैं, और जैसे ही मैं टेंट को फोल्ड करके रखा वैसे ही भाई बारिश आना शुरू हो गई, और यहाँ से टेंट मैंने पूरा हटाया, पूरा भाई पानी हो गया था। और मेरा बैग अभी मैं इस दुकान के अंदर यहाँ पर रखा था, और ये भैया लोग हैं यहाँ पर, ये लोग भी रुके थे रात को ही। तो यहाँ पर मेरा बैग था, यहाँ पर ही हम लोग बैठे थे, सुबह पूरा इधर गुजरी। और अभी स्टिल अभी आपको पता है कि अभी टाइम हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ, अभी हो रहा है 10:44 हो रहा है, तो 1.5 घंटे के आसपास हो गए बारिश बंद हुए। तो इस टाइम पर जो है बारिश जो है हरिद्वार एंड ऋषिकेश साइड में भी हुई है। तो अभी मेरा उत्तराखंड का जो प्लान था वो थोड़ा सा चेंज हो गया है उसमें। अभी मैं उत्तराखंड आज के टाइम पर नहीं जाऊंगा, मैं कुछ टाइम के बाद वहां पर जाऊंगा, कुछ दिनों के बाद, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा बारिश होने से लैंडस्लाइड होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो अभी हम लोग कहीं और चलेंगे, किसी और ट्रिप पर चलेंगे। तो नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का होता है वो मैं आपको बताऊँगा, वीडियो में बता दूँगा कहीं ना कहीं। और यहाँ पर भाई वेज बिरयानी देखो, यहाँ से मैं अभी लिया, काफ़ी अच्छा बना है। मैं अभी चेक ही करा था, फिर सोचा कि वीडियो आप बना देता हूँ और आपको अपडेट देता हूँ। ये देखो ये पूरा वेज बिरयानी है, ये वेज बिरयानी है, और मैं इसका अभी चेक किया था तो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ से खाने के बाद हम लोग स्टेशन की तरफ चलेंगे। अभी मैं मेरठ सिटी में हूँ, तो यहाँ से मेरठ स्टेशन आई थिंक 8 किलोमीटर के आसपास है, तो वहाँ चलते हैं और सारी अपडेट आपको देते हैं। और वहाँ से हो सकता है कि शाम का मैं ट्रेन लूँगा अपने इधर जाने का, और उधर शादी वगैरह भी है, तो शादी का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो वीडियो को देखते रहो, मज़ा आने वाला है भाई। और अभी चलता हूँ, आगे का अपडेट आपको देता हूँ। अभी भाई इधर से हम लोग जा रहे हैं स्टेशन की तरफ, स्टेशन यहाँ से अब ज़्यादा दूर नहीं होगा। कितना दूर होगा भैया? सामने ही है, तो ये देख सकते हो आप सामने हमारे है, ये मेरठ सिटी जंक्शन देख सकते हो मेरे सामने ही है। तो अभी हम लोग मेरठ सिटी जंक्शन पहुँच गए, और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ स्टेशन, और आपको सारे डिटेल बताता हूँ जो शायद ना बताया हो, ट्रैवलिंग से रिलेटेड एंड सारी चीज़ें। तो अभी हमारा भाई टिकट यहाँ से मैंने ले लिया, और मेरठ सिटी में हूँ। आपको पता है यहाँ पर देखो भाई काफ़ी ट्रेनें लगी हैं, और ये देखो आरक्षण रिजर्वेशन कार्यालय। और भाई यहाँ का एक चीज़ मुझे पता है क्या ख़राब लगा, मतलब अगर किसी को चालू टिकट लेनी है तो वो मेन गेट से ही वहीं पास में ले सकता है, लेकिन अगर किसी को रिजर्वेशन का लेना है, चाहे वो वेटिंग लेना हो चाहे कंफर्म वाला लेना हो, मतलब उसको अगर टिकट लेना हो तो उसे पे करना, उसे यहाँ पर आना पड़ेगा, ये जो काउंटर बना है यहाँ पर आना पड़ेगा। तो ठीक है, अपन लोग इधर से ही घुस जाते हैं और अंदर की तरफ चलते हैं। टिकट तो हो गया, कोई दिक्कत है नहीं वैसे, और आगे का देखते हैं, और आगे का अपडेट मैं आपको देते रहता हूँ। तो स्टे कनेक्टेड, बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं मिल जाता जो बोले कि मैं वीडियो मत बना। ये देखो भाई ये सारी ट्रेन यहाँ पर खड़ी हुई हैं, और हम लोग चल रहे हैं यहाँ से। भाई धूप अभी हुई नहीं है, क्योंकि आपको पता बारिश का माहौल था, और उत्तराखंड का हमने ट्रिप कैंसिल कर दिया, और घर मतलब बुआ की लड़की की शादी है, तो शादी का ब्लॉग में बहुत ही मज़ा आपको आने वाला है, तो शादी के ब्लॉग को ज़रूर देखना। और ये देखो ये ट्रेन दिख रही है, ये सब ऐसी पड़ी हुई हैं अभी, मतलब इनका अभी कोई फ़िलहाल बंद लग रहा है मुझे, काफ़ी टाइम से सब बंद है, इनका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ट्रैवलिंग से रिलेटेड में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। अब देखो रात को मैं जहाँ रुका था वहाँ पर आराम से भाई सो गया था मैं, लेकिन दिक्कत ये हुई कि रात को फिर बारिश होने लगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में। तो बारिश होने की वजह से ही मुझे मैं अपना ट्रिप कैंसिल किया हूँ उत्तराखंड का, और शादी भी है घर पर, तो शादी में भी जाना ज़रूरी है। तो शादी का ब्लॉग आएगा, उसके बाद देखते हैं कि शादी का ब्लॉग मतलब शादी फिनिश होने के बाद कहाँ का मैं प्लान करता हूँ, लेकिन बहुत ही जो भी जगह का प्लान करूँगा बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो मुझे भाई, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही आगे तक जाएंगे हम लोग। और ये देखो आगे पुलिस वाले भी हैं, और क्या पता ब्लॉग करने से रोक लें, कुछ भी हो सकता है।
तो आने के टाइम पर पता है कि रात में अगर वहाँ पर देखो, मैं वहाँ से जब निकला हूँ तो वहीं पर भाई मैं बिरयानी खा कर निकला हूँ, नॉन वेज वाली नहीं, वेज बिरयानी थी। तो वेज बिरयानी खाने के बाद निकला हूँ, काफ़ी मतलब पेट भर गया, और भी सोच रहा हूँ कुछ नाश्ता वगैरह कर लूँ, फिर आराम से कहीं बैग रखूँ, सो जाऊँ, क्योंकि मेरी ट्रेन 7 बजे है, 7 बजे शाम को है, और अभी 12 भी नहीं बजे हैं, और मैं कल उतर जाऊँगा 8:30 बजे के आसपास, वहाँ पर उतर जाऊँगा। लेट्स सी भाई कि कल का क्या अपडेट होता है, कल की जर्नी में क्या होता है, कल किसने देखा है, ये बात भी सही है, कल तो मैं भी नहीं देखा हूँ। बाकी ट्रेन्स वगैरह जो है ना, काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है बंद पड़ी हैं ऐसे ही, और बहुत ही टाइम से बंद पड़ी हैं, तो हो सकता है कि इसके ऊपर काम चल रहा हो, सर्विस वगैरह चल रही हो, या फिर हो सकता है कि ये सही भी हो, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत ही टाइम से बंद है, तो नो आइडिया, देखते हैं। और मेरा टिकट वगैरह हो गया, इस पर सारी डिटेल वगैरह लिखी रहती है, A to Z की वियर, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी, हाथ और 6 फीट की दूरी बनाना बहुत ज़रूरी, ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। तो चलो अब भाई जो भी ब्लॉग आएगा शादी का आएगा, लेकिन अभी यहाँ से जो है एक ब्लॉग और बनेगा, जो ब्लॉग का नाम रहेगा मेरठ टू प्रयागराज बाय ट्रेन, मतलब ट्रेन से पूरा ट्रेन की जर्नी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, A to Z आपको बताने वाला हूँ, तो स्टे कनेक्टेड भाई रहना, सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल पर अगर नया रहना तो भाई हम पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने भाई को सपोर्ट करना। तो मिलते हैं भाई नए ब्लॉग में और नए जर्नी के साथ।